और मोदी शेर झुंड में नहीं चलता है, शेर अकेला चलता है। प्रधानमंत्री बनेगा कौन ये तो बताओ। वो तो हम 4 जून को रिजल्ट आने के बाद बैठ करते हैं। ये इस तरह मुद्दों से भटकाते हैं। ये हमें मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, विचारधारा पर चर्चा करनी चाहिए, नीतियों पर चर्चा करनी चाहिए। वो महंगाई की बात कर रहे हैं तो जरा ये बता दीजिए आज महंगाई दर कितनी है। अभी कितनी है, कितनी है महंगाई? ये केवल माहौल बना रहे हैं, इनको कोई डाटा नहीं है। महंगाई का कोई डाटा नहीं होगा, बेरोजगारी का कोई डाटा नहीं होगा। 400 पार होने वाला, 400 पार। ये 4 तारीख को 4 बजे 40 तरह की मिठाइयां लेकर 40,000 लोगों के बीच यहां हम 400 पार का नारा देंगे और हम जीत के बताएंगे कि हम 400 पार हो गए। आज की रिपोर्ट बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में मिथुन जय तिवारी और राजकुमार भाटी जो मुंगेरू लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उन्हीं सपनों को आज ऑडियंस ने चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि ये दोनों सोच रहे थे कि इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। वहीं पर जब ऑडियंस का माहौल दिखा और ऑडियंस ने इन्हें खतरनाक तरह से दिखे सवाल पूछे तो इन भाई साहब की तो बोलती ही जैसे ही बंद हो गई। तो आज की डिबेट बहुत मज़ेदार और फनी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए होते तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। मृत्युंजय भाई, राहुल जी को आप आने से मना कर रहे हैं या खुद नहीं आना चाह रहे? राज को आज जरा खोल दीजिए। देखिए जनता साथ आ रही है। कहाँ पर? राहुल जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, सब लोग साथ है, इंडिया साथ है, जनता भी साथ आ रही है। अरे वाह वाह वाह, जिसकी राजनीति। लेकिन ममता जी साथ रही है। ममता भी साथ है। कैसे? देश की जनता जब ममता बरसा रही है तो ममता दी कहाँ जाएंगी? वो भी इंडिया के साथ है। देखिए जिनकी राजनीतिक जमीन श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार में खिसका दी, बीजेपी की एनडीए की हवा निकाल दी, इनके 32 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर भारी पड़ा है, तो इनको चक्कर आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे, ये बिहारियों को इतना कमजोर समझ रहे हैं। और बिहारी जब जब लेता है लड़ाई तब तब देश के सत्ता में होती है परिवर्तन होती है। रुकिए ना, अभी आप बेचैन क्या हो रहे हैं? तो ये कह रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी ने जो मुद्दा एजेंडा सेट किया देश में कि हम बेरोजगारी से, गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई से आजादी दिलाएंगे, 15 अगस्त को 1 करोड़ सरकारी नौकरी, माताओं बहनों के खाते में 1 लाख रुपया, रक्षाबंधन में थोड़ा कम करके बोल रही है, 1 करोड़ सरकारी नौकरी तो ऐसे करें, इतने बदली होनी चाहिए भाई। देखिए मतलब बोलने की सीमा है, इसमें आप बोलने की कोई सीमा होती है? सरकारी नौकरी दे देंगे, मतलब कमाल की बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, एक रिक्शा वाले का बच्चा आईएएस बन सकता है तो आपके बच्चे क्यों नहीं? हर बार नौकरी नौकरी नौकरी, तो आप पढ़ाओ बच्चों को, बच्चा आगे खुद निकलेगा। और मोदी शेर है, शेर झुंड में नहीं चलता है, शेर अकेला चलता है। वाह वाह वाह, जी 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 जी, मोदी मोदी, नारे नहीं कुछ बोले भी सही, नारे लगा रहे हैं आप। ये तो भक्त हैं, इंडिया से भक्त हैं आप, वो कह रहे हैं भक्त हैं। भक्त नहीं है, मैं उनका सेवक हूँ, काशी का निवासी हूँ। काशी माँ गंगा नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है, यहाँ के विपक्ष लोग पच नहीं रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ के। हम लोग प्रधानमंत्री चुनते, लोग सांसद चुनते होंगे, काशी के लोग प्रधान। आपको कई बार बुरा नहीं लगता? बात विकास की होनी चाहिए, बात मटन की हो रही है, मछली होनी, मछली की हो रही है। नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज जाने को, काशी के गौरव को क्या जाने? ये क्या जानेंगे काशी गौरव को, जो नॉनवेज खाते हैं, गौ मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मीट खाते हैं, अच्छा सूर खाते हैं, ये लोग क्या जानेंगे काशी के वासी के बारे में? सवाल है आपका। देखिए हमारा सवाल इंडिया गठबंधन से है, हम मतदाता के रूप में ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने प्री पोल गठबंधन किया है और सारी पार्टियां अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, हम इनके ऊपर कैसे विश्वास करें जब इनके ऊपर आंतरिक विश्वास इनका? एक एक पब्लिक के अंदर भाटी जी विश्वास की कमी है, और ये बंगाल से लेकर ओडिशा तक हमने देखा, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक हमने देखा, सबके मन में, मतदाता के एक मन में एक डाउट है कि आप लोग ये मिली जुली खिचड़ी चलाएंगे कैसे? अब देखिए ममता जी अभी से कह रही है कि मैं बाहर से आऊंगी, इस सरकार के अंदर कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है, कांग्रेस बीजेपी के से पैसे खा रही है, ये ममता दीदी कह रही है। अब ये एक हमारी बहन ने भी इधर से बचाने को, ढकता क्या है ढकाने को, बहन ने भी इधर से यही सवाल उठाया था, शेर अकेला चलता है, भाई भी उठा रहे हैं। शायद आपको जानकारी नहीं है कि हमारे साथ इंडिया गठबंधन में 18 पार्टियां शामिल हैं और मोदी जी के साथ 41 पार्टियां शामिल हैं। जब 41 पार्टियों का गठबंधन सरकार चला सकता है तो 18 पार्टियों के क्यों नहीं चला सकता? आप विश्वास करिए तो कि 4-5 जून को जब इंडिया गठबंधन की सरकार शपथ ले रही होगी तो बड़े प्यार मोहब्बत और एकता के साथ ले रही होगी, कोई भी वाद नहीं होगा। पूरे 5 साल हमारा प्रधानमंत्री जनता के विकास के लिए काम करेगा। और एक सवाल और उठा था कि कैसे दोगे इतनी नौकरी, ये बिहार में भी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यही सवाल है ना?
प्रधानमंत्री बनेगा कौन ये तो बताओ। वो तो हम 4 जून को रिजल्ट आने के बाद बैठ के तय करेंगे, लेकिन प्यार से तय हो जाएगा इस बात की गारंटी है। ठीक है ओके अभिषेक जा। मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं अमीश जी, 4 जून को इनकी जीत होगी हार होगी ये प्रश्न ही नहीं है। 2 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है बिहार में राजद के लिए कि पिछली बार 0 सीटें आई थी, इस बार 1 सीट ला पाते हैं कि नहीं। और दूसरा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश में कि जीत हार के विषय में सोचना छोड़ दीजिए। देश में आप विपक्ष के नेता की कुर्सी 10% सीटें हासिल करके अगर ले आते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम समझेंगे कि शायद आपका राजनीतिक अस्तित्व कुछ जिंदा है, कांग्रेस पार्टी के पास इतनी क्षमता नहीं कि विपक्ष के नेता की कुर्सी हासिल कर सके। और बातें इतनी बड़ी बड़ी, दावे इतने बड़े बड़े, अभी इंडिया अलायंस के समन्वय की बात हो रही थी, दीदी ने क्या कहा कांग्रेस पार्टी के विषय में आपने सुना है? जी। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने पंजाब में क्या कहा कांग्रेस पार्टी के विषय में आपने सुना है? ये सब पुराने दावे इतने बड़े बड़े हैं। देखिए सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, बिहार में साझा कार्यक्रम नहीं होते थे। आप किस तरफ रहेंगे? ठीक है, हम जिस तरफ रहते हैं सरकार गरीब बनती है। ममता दीदी हम जिधर रहते हैं ममता दीदी किस तरफ है? मुझे तो कादर खान की और गोविंदा की एक फिल्म याद आती है जिसमें जॉनी लीवर कहता था मैं तो आपकी तरफ। आप कुछ कहना चाह रही है? आपकी बात 400 पार क्यों 400 पार खड़े होके बोलिए। अब 400 पार इसे मोदी जी ने जितना किया है इसीलिए हम लोग मोदी जी के लिए। क्या किया है मोदी जी? मोदी जी हमारे बनारस के लिए बहुत किया है, मतलब बहुत देश के लिए किया है कि नहीं किया? देश के लिए भी किया है मोदी जी हर जगह, इसलिए मोदी जी जय श्री राम जय श्री राम हो रहा है। लॉकडाउन में जो इतना जो हम लोग को राशन पानी कौन दिया? मोदी जी ने दिया। और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं किया। ये देखिए एक सवाल मेरे मन में आया राजकुमार भाटी, ये कांग्रेस के चक्कर में कहीं आप सब लोग ना फंस जाए। ऐसा है कि वो कहा जाता है ना कि तुमसे कोई बैर नहीं है लेकिन कांग्रेसियों की खैर नहीं है। नहीं, मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूं। महादेव, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 543 सांसद चुने जाएंगे, वो सांसद चुन के सरकार बनाएंगे, सरकार अगले 5 साल के नीतियां निर्धारित करेगी, लेकिन हम देश की अर्थव्यवस्था पे, कृषि व्यवस्था पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, नारी सुरक्षा पे, इन पे समस्याओं पे चर्चा ना करके मटन और मछली की चर्चा में अटके हुए हैं। तो क्या इस देश में राहुल जी ने बोला ना? क्या इस राहुल गांधी ने बोला ना? बोल रहा हूँ, मैं बना के खिलाऊंगा ये इस देश में। क्या आधे से ज्यादा हिंदू मांस नहीं खाते हैं? क्या हिंदू केवल दूसरे धर्म के लोगों की मांसाहारी है? क्या गोवा में बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ बीफ नहीं बिकता है? क्या मेघालय में जब चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह नहीं कहा था कि हम सस्ता मांस उपलब्ध कराएंगे? क्या मोदी जी ने चुनाव में गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं लिया था? ये इस तरह हम मुद्दों से भटकाते हैं। ये हमें मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, विचारधारा पर चर्चा करनी चाहिए, नीतियों पर चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब महंगाई की बात कर रहे हैं तो जरा ये बता दीजिए आज महंगाई दर कितनी है? अभी महंगाई दर कितनी है? कितनी है महंगाई दर? और 2013 में 2012 में कितनी महंगाई थी? 7% पेट्रोल कितना है कीमत? सरसों तेल का कीमत क्या है? आज के दिन आलू प्याज का कीमत क्या है? गरीबों का थाली देखा? इनसे मत उलझिए, दाल और सब्जी गायब है थाली से। ये केवल माहौल बना रहे हैं, इनको कोई डाटा नहीं है। महंगाई का कोई डाटा नहीं होगा, बेरोजगारी का कोई डाटा नहीं होगा। मैं बताता हूँ 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी अगर ये खुद देखें, और 2024 में बेरोजगारी दर क्या है? आपको 24 में क्या लगता है कौन क्या होगा? सर होना क्या है? काम किया है, लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं। आप इस केवल घाट में पूछ लो, आदमी आपको बता देगा। 400 पार होने वाला, 400 पार ये 4 तारीख को 4 बजे 40 तरह की मिठाइयाँ लेके 40,000 लोगों के बीच यहाँ हम 400 पार का नारा देंगे और हम जीत के बताएंगे कि हम 400 पार हो गए।